हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC GD यानी SSC। दोस्तों हम आज बात करेंगे SSC GD की, जो दोस्तों इस साल का टॉप क्या रहने वाली है, और पूरी कट ऑफ हम दोस्तों प्रीवियस ईयर 2023 की कट ऑफ के आधार पर इस बार बताएंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों SSC GD की एग्ज़ाम चल रही है, तो दोस्तों देखिएगा कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। दोस्तों ये देखिएगा, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल GD एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स SSF राइफलमैन GD असम राइफल्स एंड शोपसिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट आ गए। तो दोस्तों इसका तो दोस्तों उसी के बारे में हम कट ऑफ की फर्स्ट फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। इस बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिगो देख लीजिए, ये देख लीजिए ये दोस्तों फाइनल रिजल्ट। द पीईटी और PhD 30/6/2023 एक्सपेंड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर विल बी द 93,228 कैंडिडेट विद शॉर्ट लिस्टेड अपीयरिंग इन द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। DV और ME एंड RME वाज दो CRPF फोर्स यानी 17/7/2023 से 7/8/2023 तक टोटल 49,590 वैकेंसी एक्सपेक्टेड 597 वैकेंसी और मणिपुर हैज़ बिन द कॉन्स्टिट्यूटर अलॉटेड इन द फॉलोइंग फोर्स। आगे देखिएगा दोस्तों जो देख बात दे रही है, यानी ये BSF बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी, BPCISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और CPCRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, DPA सशस्त्र सीमा बल, EPA इंडो तिब्बतन बॉर्डर और FPA असम राइफल, GPA नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और HPA SSF सिक्योरिटियल सिक्योरिटी फोर्स। आगे देखिएगा दोस्तों जो इसमें पैरामीटर दिए गए हैं वो सब बताए गए हैं। एंड दोस्तों फाइनल कट ऑफ के बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए कैटेगरी वाइज EWS 0 ST SC यानी जो कैटेगरी के नंबर दिए गए, कैटेगरी EWS 0 ST 1 ST 2 और ECM और OBC से और UR 9 ब्रेक इन द कैटेगरी प्रोविजनल सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट SSF CRPF नेमलेस। तो दोस्तों टोटल देखिएगा दोस्तों जो बात कर रही है फीमेल की, यानी फीमेल की दोस्तों टोटल वैकेंसी के बारे में जो बात करेगी और टोटल कितने लोग को इन्होंने सेलेक्ट किया है फीमेल की। दोस्तों 597 EWS में 547 वैकेंसी थी, इसमें 104 को सेलेक्ट कर लिया। SC में दोस्तों 862 थी, जिसमें 808 को सेलेक्ट कर लिया। ST में दोस्तों 524 थी, इसमें 511 को सेलेक्ट कर लिया। OBC में 1200 थी, 1138 को सेलेक्ट कर लिया। और UR में 2378 जिसमें कितना सेलेक्ट किया दोस्तों 2256 को, और टोटल 5531 पोस्ट थी जिसमें 5117 को सेलेक्ट कर लिया। इसमें दोस्तों 43 वैकेंसी EWS 3 और BC दोस्तों इन्फिनेट टेम्परेरी ऑपरचुनिटी इंक्लूड दो 181, ये देख लीजिएगा दोस्तों। अब मेल में देख मेल की बात करते हैं दोस्तों, मेल में कितने को सेलेक्ट किया है इन्होंने। आगे देखिएगा दोस्तों मेल की मतलब वैकेंसी दी EWS में 4753 जिसमें 3545 को, SC में दो की वैकेंसी थी 2667 26 जिसमें 6568 को सेलेक्ट किया। ST में देखिए दोस्तों 4188 जिसमें कितना किया 3951 को। OBC में देखिएगा दोस्तों वैकेंसी थी 9552 जिसमें 9356 को। UR में देखिए 18665 वैकेंसी में 17784, यानी टोटल वैकेंसी थी कितनी 43824 जिसमें से 41262 को सेलेक्ट किया। और ESM में दोस्तों 4957 वैकेंसी थी इसमें से 917 सेलेक्ट हुए हैं। आगे देखिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट और शॉप से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में। अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में दोस्तों वैकेंसी थी टोटल EWS की 23 में 23 कैंडिडेट, SC 27 में, ST 12 में, OBC 40 और UR के 73 यानी टोटल 175 कैंडिडेट थे। 75 कैंडिडेट पूरे मिल गए इनको नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की। अब देखिए दोस्तों जो पैरामीटर कट ऑफ रही है इस बार की वो देखते हैं हम दोस्तों कि क्या क्या इसमें कट ऑफ रही है। आप देख लीजिए दोस्तों सबसे पहले कट ऑफ आ जाते हैं हम, देख कैंडिडेट क्वालिफाई इन द ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ NCB। NCB में दोस्तों EWS में 23 को 23 यानी 145 नंबर कट ऑफ मार्क रहे हैं EWS की। SC में देखिएगा 27 में 137 रहे हैं, ST में दोस्तों 132 रहे हैं, EMSS में दोस्तों 103 रहे, OBC में 146 और UR में दोस्तों 147 नंबर ये कट ऑफ रही है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB की। अब देखिएगा दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की बात करिए SSF के बारे में,
ऐसे सब ऑल इंडिया फीमेल कैंडिडेट की जो पोस्ट रही थी दोस्तों, फीमेल में देखिए 140 रही है, 6 की 6 पोस्ट भरी गई थी। ओबीसी में देखिए, एससी में देखिए 129 रही है, एसटी में 126, ओबीसी में दोस्तों 140 और यूआर में 142 कट ऑफ रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट एंड सेलेक्टेड अगेंस्ट स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज और सीएपीएफ जनरल एरिया बॉर्डर एरिया एंड नक्सलेटी एरिया। तो दोस्तों कुछ मेन मेन स्टेट के हम कट ऑफ देखेंगे, देख ऐसे दोस्तों सभी के नहीं देखेंगे, सभी के देखेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेन मेन की कुछ कट ऑफ देखेंगे दोस्तों। जैसे अब आ जाते हैं हम सबसे पहले दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की कट ऑफ चल रही है दोस्तों अभी। तो हम सबसे पहले दोस्तों हम राजस्थान के आसपास की कट ऑफ देखेंगे, जो जहाँ पे देखिए दोस्तों बिहार में देखिए बीएसएफ की जनरल से यानी जनरल बीएसएफ में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों 114 रही है और नक्सल एरिया में 102 रही है। और ये सीआईएसएफ की कट ऑफ देखिए दोस्तों 128 रही है बिहार में जनरल में और नक्सल एरिया में 106 रही है। आगे देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही देखिएगा बिहार की कट ऑफ की बात हो रही है। आगे देखिएगा दोस्तों बिहार के बाद में छत्तीसगढ़ में दोस्तों कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रहती। अब देखते हैं दिल्ली वाली एरिया में देखिए बीएसएफ की 124 कट ऑफ रही है दोस्तों ईडब्ल्यूएस से। दिल्ली की बीएसएफ से देखिए ओबीसी में जनरल 122, सीआईएसएफ में देखिए दोस्तों ओबीसी में जनरल में बीएस 147, सीआरपीएफ में देखिए 132 और आईटीबी में 132, 28 बीएसएफ में 125 और सीआईएसएफ में दोस्तों 139। ये एससी की कट ऑफ की बात हो रही है जनरल में दोस्तों दिल्ली से, यानी दिल्ली से दोस्तों कट ऑफ अच्छी खासी रही है। उसके बाद में जैसे कि गुजरात में कोई खास कट ऑफ नहीं रहती दोस्तों। गुजरात में देखिए हरियाणा में दोस्तों कट ऑफ ठीक ठाक रहती है। जैसे हरियाणा में कट ऑफ देख लीजिए दोस्तों यूआर की 80 रही थी हरियाणा में, आईटी यानी यूआर की दोस्तों, बीएसएफ की दोस्तों हरियाणा में कट ऑफ देखिए 132 से देखिए हरियाणा की कट ऑफ दोस्तों खूब ठीक ठाक रही है, फाइनल कट ऑफ है दोस्तों ये। हिमाचल में दोस्तों इतनी ठीक ठाक रहती लेकिन इतनी नहीं रहती हिमाचल, और जम्मू में दोस्तों इतनी कट ऑफ नहीं रहती पाती। इसके बाद झारखंड में नहीं रह पाती ज़्यादा, और आगे देखिए केरला में भी ज़्यादा नहीं रह पाती दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। महाराष्ट्र में दोस्तों कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। उड़ीसा में दोस्तों कोई खास कट ऑफ नहीं रहती। राजस्थान में देखते हैं हम दोस्तों, राजस्थान में देखिएगा दोस्तों ईडब्ल्यूएस बीएसएफ, ये ईडब्ल्यूएस की बीएसएफ कट ऑफ देखिएगा दोस्तों। ग्रेल की कट ऑफ ये देखिएगा दोस्तों, बीएसएफ जनरल कट ऑफ 116 रही है, बीएसएफ बॉर्डर एरिया की 85 रही है। राजस्थान में सीआईएसएफ जनरल कट ऑफ दोस्तों 129 रही है, सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया की 111 रही है। राजस्थान सीआरपीएफ में जनरल की 123 रही है, सीआरपीएफ की 196 रही है। आईटीबीपी दोस्तों राजस्थान जनरल कट ऑफ 128 रही है, बीएसएफ जनरल कट ऑफ 124 रही है दोस्तों। राजस्थान बीएसएफ बॉर्डर एरिया कट ऑफ दोस्तों 99 रही है। आगे देखिएगा दोस्तों, सीआईएसएफ जनरल कट ऑफ 136 रही है, सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया की 124। और जो देखिए दोस्तों लास्ट में जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अंगेज टू ऑल इंडिया वैकेंसी एसएसएफ, एसएसएफ में ईडब्ल्यूएस की 18 रहती है, 18 में 148 रही है, एससी में 35 में 139, एसटी में 7 कट ऑफ थी, 134 कट ऑफ रही है। ईएसएम में दोस्तों 21 कट ऑफ वैकेंसी, 109 कट ऑफ रही है। ओबीसी में 148 रही है और यूआर में दोस्तों 149 कट ऑफ रही है। तो दोस्तों देख लीजिएगा पूरा जो क्राइटेरिया बांट रखा है दोस्तों, कट ऑफ कैंडिडेट देख लीजिएगा क्या क्या दे रखा है इसमें, देख लीजिएगा पूरा क्राइटेरिया बांट रखा है दोस्तों। यानी कि ये दोस्तों अब दे रखिए दोस्तों मेल कैंडिडेट को, पहले हम फीमेल कैंडिडेट कट ऑफ देख रहे थे, अब दोस्तों मेल कैंडिडेट की कट ऑफ दे रखी है जिसमें कहाँ कितनी गई है दोस्तों। फीमेल में कट ऑफ बहुत गई थी दोस्तों। हम देखते हैं राजस्थान की, देखते हैं सबसे पहले कट ऑफ राजस्थान में मेल कैंडिडेट में कितनी कट ऑफ रही थी दोस्तों। राजस्थान दो तीन स्टेट ही है जहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है दोस्तों, और वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन रहता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली, यहाँ पर कुछ थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा रहती है दोस्तों, और जगह कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रहती। आगे देखिएगा दोस्तों, जैसे कि ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पे भी इतनी कट ऑफ नहीं रहती। नागालैंड दोस्तों, मिजोरम ये देख रहे, उड़ीसा में भी इतनी नहीं रहती। पांडुचेरी, पंजाब में दोस्तों ज़्यादा नहीं रहती। अब देखिए राजस्थान में देखिए असम राइफल जनरल में ईएसएम में दोस्तों, यानी एक्स सर्विसमैन की बात कर रही है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन में राजस्थान में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ देखिए दोस्तों कितनी रही है सभी पोस्टों में मिला के। अब देखिएगा दोस्तों राजस्थान में देखिएगा असम राइफल जनरल में ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों 132 रही है, बीएसएफ जनरल में ओबीसी की कट ऑफ 131, सीआईएसएफ जनरल में ओबीसी कट ऑफ दोस्तों ये देखिए 100 बॉर्डर एरिया में 113,
ये 141 बॉर्डर एरिया में दोस्तों 131, सीआरपीएफ जनरल में 131 और बॉर्डर एरिया में दोस्तों 116, आईटीबी में 133 बॉर्डर एरिया में और एसएसएफ में तो एसएसपी में 140, असम राइफल में 132 और बीएसएफ में दोस्तों एससी की कट ऑफ आ गई 116 बीएसएफ में। तो ये देख लीजिएगा राजस्थान की कट ऑफ दोस्तों बहुत हाई रहती है और उसके बाद में एक उत्तर प्रदेश स्टेट है उसकी भी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। तो दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि इस साल कट ऑफ कितनी रह सकती है और आपको पता है कि दोस्तों इस साल नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/8 है। तो दोस्तों पहली बार पीईटी की कट ऑफ गई थी लगभग हर एक वो तो पीईटी की तो सिमिलरी कट ऑफ निकलती है दोस्तों, वो आपको भी पता है पीईटी में कितनी कट ऑफ निकली थी दोस्तों, लगभग हमारी जो एससी की कट ऑफ थी लगभग 100, एसटी की दोस्तों एसटी की लगभग पीईटी कट ऑफ थी दोस्तों 112 यानी फिजिकल की, और एससी की जो फिजिकल की कट ऑफ थी दोस्तों एससी की थोड़ी कम थी 107 के आसपास थी, और दोस्तों जो यानी कि दोस्तों जो यूआर की कट ऑफ थी दोस्तों फिजिकल की 122 के आसपास थी, ओबीसी की दोस्तों बात करें तो ये 118 के आसपास थी एंड एससी की दोस्तों 107 के आसपास थी और एसटी की दोस्तों 112 थी एंड ईडब्ल्यूएस की दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 115 के आसपास थी। तो दोस्तों ये कट ऑफ रही थी पिछली बार, अब दोस्तों इसलिए इस बार 1/8 नेगेटिव है तो दोस्तों इससे बढ़ के कट ऑफ रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी, इससे प्लस में रहेगी इस बार। तो जनरली बात करें तो दोस्तों यूआर की हम यूआर की बात करें तो दोस्तों 1/8 नेगेटिव है तो दोस्तों यूआर की फिजिकल की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों जिसके 125 प्लस नंबर आएंगे वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई है यूआर में इस साल। आगे देखे थे दोस्तों ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी में देखेगा दोस्तों जिसके 100 यानी यूआर में दोस्तों 130 प्लस, ओबीसी में दोस्तों 125 प्लस नंबर वाला क्वालिफाइड है। अगली जो बात करेंगे दोस्तों एससी में, यानी एससी में दोस्तों 115 नंबर प्लस वाला बंदा क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल के लिए। एसटी में बात करते हैं दोस्तों तो एसटी में दोस्तों इस बार 120 प्लस नंबर है जिसके आएंगे वही बंदा पीटी में क्वालिफाई होगा एसएससी जीडी में। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, यानी दोस्तों ईडब्ल्यूएस में जिस बंदे के 122 प्लस नंबर आ जाएंगे वो बंदा ईडब्ल्यूएस में पीटी में एसएससी जीडी में क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वीडियो, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों KDM19 उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पल पल की भर्ती की अपडेट मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वीडियो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।